उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के चलते परीक्षाओं के विरोध में सपाइयों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। समाजवादी पार्टी हमीरपुर के पदाधिकारियों ने सदर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए। इसके साथ उन्होंने बीते दिनों सफाई कार्यकर्ताओं व नेताओं पर हुई कार्यवाही में जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल ने कहा कि कोरोना काल में परीक्षाएं करवाकर छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा नीट परीक्षा के लिए जो कहा गया था कि अभी कोरोना का काल चल रहा है इसलिए नीट परीक्षा स्थगित की जाए, पर सरकार के तानाशाही रवैये के कारण नीट परीक्षा का शांतपूर्वक उपस्थिति यानी विरोध दर्ज कराने जा रहे थे समाजवादी पार्टी लोहिया बाइनी के प्रदेश अध्यक्ष एवं यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष। इस बर्बरतापूर्वक भाजपा गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उन लोगों को लाठियों से पीटा एवं सबको मारा एवं लाठी चला दी, जिससे बहुत से छात्र और बहुत से नेता समाजवादी पार्टी के घायल हुए हैं। इसलिए हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जानते हैं सारे पत्रकार बंधु, आप लोग लोगों ने देखा भी कि हमारे कुछ समाजवादी नेता जो है लखनऊ में नीट परीक्षा को स्थगित कराने के लिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हर व्यक्ति जो है कोरोना से इन्फेक्टेड होता चला आ रहा है। अभी कुछ समय पहले आपने बीएड परीक्षा भी देखी, बीएड परीक्षा में जो भी अव्यवस्थाएँ रहीं उनको देखते हुए हमारे नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, वो भी बहुत शांतिपूर्वक किया था, जिसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनको मारा। मुख्य के विरोध में विरोध दर्ज कराने के लिए ज्ञापन देने आए हुए हैं, जो हम लोगों ने यहाँ आज डीएम साहब को सौंप दिया है। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।